नमस्कार दोस्तों, एवी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं पान आज हम लोग राजनीतिक विचारों के अंतर्गत प्लेटो के राजनीतिक विचारों को देखेंगे। प्लेटो का जो जन्म है बच्चे हुआ है 428 बीसी में और जो डेथ है उनकी वो है 347 बीसी में उनकी डेथ हुई थी। जो प्राचीन राजनीतिक दार्शनिक हैं वो प्लेटो ही हैं। प्राचीन राजनीतिक दार्शनिक के दार्शनिक के अंतर्गत हम प्लेटो को रखते हैं, या फिर क्वेश्चंस कभी पेपर में आ जाता है कि प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता किसे माना जाता है, तो भी आपको वहां पे प्लेटो को ही क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। और एक्चुअली इसका वास्तविक नाम जो था वो एरिस्टोटेलीस था, इसको अफलातून भी बोलते हैं। तो जो प्लेटो का वास्तविक नाम है वो एरिस्टोटेलीस या अफलातून। अब जनरली हमें समझनी होती है प्लेटो की चिंतन पद्धति, तो जो प्लेटो की चिंतन पद्धति है वो सुकरात के सद्गुण ही ज्ञान है इससे बहुत अधिक प्रभावित है। और सुकरात ने कोई अपनी कोई बुक नहीं लिखी थी। सुकरात और जो रिपब्लिक प्लेटो के द्वारा लिखी गई थी वो संवाद शैली में, और जो रिपब्लिक है वो राज्य व्यवस्था के साथ साथ न्याय पर आधारित एक प्रकार की क्या बुक है, कंसर्निंग द जस्टिस, यानी न्याय पर भी आधारित उसको एक बुक माना जाता है। वैकल्पिक शीर्षक जो है उसका, जो वैकल्पिक शीर्षक है रिपब्लिक की, वो रिपब्लिक में वैकल्पिक शीर्षक के अंदर उसमें न्याय मीमांसा को रखा गया है, यानी वो न्याय को बहुत अधिक महत्व देता है। दूसरी चीजें जर्नलिस्ट हमें ध्यान में रखना है बच्चे, कि जो प्लेटो है उसने एकेडमिक नामक संस्था की भी स्थापना की थी, और एकेडमी का ही आपका एकेडमी से ही उसे अरस्तु जैसे विद्यार्थी जो थे वो प्राप्त हुए थे। और जो एकेडमी है बच्चे वो यूरोप का पहला, उसे विश्वविद्यालय का एक प्रकार से क्या किया जाता है, दर्जा दिया जाता है। तो पहला जो यूरोप का विश्वविद्यालय है वो एकेडमी है। एकेडमी में प्रवेश लेने के लिए गणित जो थी वो महत्वपूर्ण एक विषय होता था, कि अगर आपको एकेडमी में एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जो एकेडमिक विद्यालय था, एकेडमिक जो विश्वविद्यालय था उसमें अगर आपको प्रवेश परीक्षा के अंदर मैथमेटिक्स पूछी जाती थी, जो लोग मैथ एग्जाम को क्लियर करते थे उन्हें ही एकेडमिक में एक प्रकार से क्या किया जाता था, जगह दिया जाता था। प्लेटो जो है बच्चे वो सुकरात का शिष्य था, और सुकरात के जो विचार है सद्गुण ही ज्ञान है इससे बहुत अधिक प्रभावित था उसने। और प्लेटो ने भी माना कि जो पूरा संसार है, जो पूरा ब्रह्मांड है, ये एक विचार का परिणाम है, भौतिक तत्वों का नहीं। तो ये मानता है कि जो पूरा का पूरा संसार है वो कहीं ना कहीं एक विचार है, विचार के वजह से आप इसको एक आउटकम के रूप में देख रहे हैं। और जो भौतिक तत्व होते हैं, जो भौतिक चीजें होती हैं, वो सिर्फ एक छाया मात्र होती हैं, वो एक प्रकार की छाया है। इसलिए विचार जो है वो वास्तविक है, और भौतिक जो चीजें हैं वो क्या होती हैं, परछाई होती हैं। तो ये चीजें उसने बताया, और उसने बताया कि विश्व जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, विश्व जो होता है वो दो प्रकार का होता है। जहां पर उसने बताया एक तो विचारों की दुनिया, और दूसरा उसने बोला कि भौतिक और वास्तविक दुनिया। तो एक तो विचारों की दुनिया है और दूसरा जो है भौतिक और वास्तविक दुनिया है। दूसरी जो चीजें थी बच्चे उसके अंदर, वो मेन उसके लिए जो उसके विचारों में जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण था वो था न्याय। वो न्याय को बहुत अधिक महत्व देता था, ठीक है, और न्याय और सत्य इन दो को वो अपने केंद्र में रखता था। राजनीतिक विचारों के अपने केंद्र में वो सत्य और न्याय जैसी चीजों को केंद्र में रखा है। और उसने माना था कि जैसे ये दो प्रकार की यूनान में एक प्रकार की प्रचलित विचार था बच्चे, कि जो विश्व है वो निरंतर जो है वो परिवर्तनशील है, ये हेराक्लिटिक्स का अप्रोच था। और दूसरा पिरामिडस ने माना था कि सत्य सदैव जो है वो अस्थाई और अपरिवर्तनशील होता है। जो सत्य होता है वो सत्य होता है, वो परिवर्तनशील नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो है बच्चे वो मानता है, प्लेटो ने बोला कि सत्य जो है वो अस्थाई नहीं होता है, सत्य जो है वो अस्थाई होता है, परंतु उसकी परछाई जो है वो सदैव क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। तो उसके पूरे चिंतन का जो केंद्र बिंदु था वो था एक आदर्श राज्य का निर्माण करना। सुकरात के विचारों में भी एक आदर्श राज्य के निर्माण जैसी बात हो रही है। सुकरात के भी विचारों में बोला जा रहा था कि एक प्रकार का आदर्श राज्य जैसी संस्थाएं क्या की जाएंगी, निर्मित की जाएगी। जो आदर्श राज्य है बच्चे वो कहीं ना कहीं उसका जो शासक होता है, जो रूलर होता है ना, वो एक प्रकार का फिलोसफर किंग होता है, दार्शनिक राजा होता है। दार्शनिक राजा उसे बोलते हैं हम जिसके पास ज्ञान बहुत अधिक है, क्योंकि जो एथेंस था और एथेंस में जो भी कमियां थी वो सारी कमियों के लिए जिम्मेदार माना जा रहा था लोकतंत्र को, कि लोकतंत्र ही
की वजह से, क्योंकि लोकतंत्र में जो निर्णय लिए जाते हैं वो भावना के आधार पे लिए जाते हैं, इमोशंस के आधार पे लिए जाते हैं। और लोकतंत्र में कभी कभी क्या होता है कि जो शासक होता है वो ऐसे लोग चुन कर आ जाते हैं जिसमें ये प्रतिभा नहीं होती है कि वो कोई बेहतर निर्णय ले सके। इस वजह से स्पार्टा के द्वारा एथेंस को काफी समय तक वो परेशानी पहुंचाई गई स्पार्टा के द्वारा। इसी आधार पर उसने बोला था कि जो लोकतंत्र है वो एक प्रकार का भ्रष्ट शासन प्रणाली है। चाहे वो सुकरात हो, वो लोकतंत्र में कभी भी वो लोग विश्वास नहीं रखते थे। लोकतंत्र में विश्वास सुकरात ने भी नहीं रखा था, यानी सोक्रेटिस भी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता, और प्लेटो जो है वो भी लोकतंत्र के अंतर्गत बच्चे विश्वास नहीं रखते हैं। दूसरी चीजें, उसका मेन पर्पस ये था कि हमें क्या करना है, एक आदर्श राज्य का निर्माण करना है, आइडल स्टेट। तो इसका आदर्श राज्य जो था, जो आदर्श राज्य की कल्पना है बच्चे, वो हमें द रिपब्लिक में दिखती है। आदर्श राज्य का निर्माण करना है, और आदर्श राज्य का निर्माण करने आदर्श राज्य का निर्माण करना है, और आदर्श राज्य के निर्माण जो होगा, आदर्श राज्य का निर्माण जब किया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं आदर्श राज्य अगर आपको बनाना है तो वो एक्चुअली क्या होता है कि जो समाज की प्रकृति, अगर मुझे समाज की प्रकृति को समझना है तो मुझे उस समाज में रहने वाले व्यक्ति के प्रकृति को समझना पड़ेगा। क्योंकि जो समाज में व्यक्ति रह रहा है उस व्यक्ति के अगर प्रकृति को आप समझ लेते हैं तो ही आप समाज के प्रकृति को समझ सकते हैं। क्योंकि समाज का ही बृहत रूप जो होता है, व्यक्तियों का जो बृहत रूप होता है वो एक प्रकार से माना जाता है कि समाज होता है। तो जब तक आपको समाज को समझना है तो आपको उस समाज में रहने वाले व्यक्तियों को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। प्लेटो ने अपने अध्ययन पद्धति में बच्चे, एक तरह से जो प्लेटो की अध्ययन पद्धति है वहां पे वो डायलेक्टिक मेथड का इस्तेमाल करता है। और सबसे पहले प्राचीन समय में डायलेक्टिक मेथड जो था, वाद विवाद के द्वारा ही हम सत्य तक पहुंच सकते हैं, ये सुकरात के विचारों में भी देखा जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज है एनालिटिकल मेथड, विश्लेषणात्मक सिद्धांत, की कोई भी घटना घटित होती है तो उसमें जो घटित हो रही है घटना, और उस घटना में जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी एक प्रकार के चर हैं, उनके कार्य और कार्य कारण को आपको एक प्रकार से क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और कार्य कारण को समझने के बाद ही आप एक प्रकार से समझ सकते हैं कि घटना क्यों घटित हुई, और इस तरह की घटना भविष्य में न हो उसको आप क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं और सुधार सकते हैं। तो प्लेटो ने एक तरह से ऐतिहासिक पद्धति का भी इस्तेमाल किया, हिस्टोरिकल मेथड का भी यूज करता है बच्चे, डायलेक्टिकल मेथड का भी यूज करता है, और इंडक्टिव मेथड का भी एक प्रकार से क्या करता है, यूज करता है। तो ये प्लेटो के राजनीतिक विचारों की एक प्रकार की हमने एक प्रकार से क्या कर लिया, बुनियादी चीजों को हमने देखा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे हम प्लेटो के राजनीतिक विचारों में एक एक विचारों पर बात करेंगे कि राज्य के बारे में उसके क्या विचार हैं, समाज के बारे में क्या विचार दे रहा है वो, ठीक है, शासन प्रणाली के बारे में उसके किस तरह के विचार हैं, न्याय सिद्धांत पे उसके किस प्रकार के विचार हैं। तो इनको हम एक एक करके क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।